क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? घेवर में चाशनी डालने के बाद घेवर का कुरकुरापन खत्म हो जाता है, तो ऐसा क्या करें कि घेवर खस्ता रहे, गीला ना होए? और साथ में घेवर के लिए रबड़ी भी बनाएंगे। मिठाई की दुकान में आसानी से फीके घेवर और फीणी दोनों ही मिल जाते हैं। तो यह रहा घेवर और यह है तार फीणी। फीके घेवर और तार फीणी आप पहले से लाकर रख सकते हैं, यह एक महीने तक ख़राब नहीं होती है। बस आप इसे एयरटाइट डब्बों में भर कर रख दें और फिर इसके बाहर रखें। रबड़ी बनाने के लिए 250 ml दूध लिया है। एक कढ़ाई में डालकर मीडियम आंच पर रख कर उबाल लेंगे और चम्मच से हिलाते रहेंगे ताकि दूध तले में ना चिपके। दूध उबलने के बाद आंच को कम कर देंगे और चम्मच को कढ़ाई में ही रहने देंगे ताकि दूध ऊपर ना आए। देखिए मलाई जम गई है। अब इसे धीरे धीरे चम्मच से एक साइड में करते जाएंगे और बीच में भी थोड़ा सा हिला देंगे ताकि दूध तले में ना चिपके। और अब चम्मच को रख देंगे और फिर से मलाई जमने देंगे। देखो फिर मलाई जम गई है, तो फिर इसे ऐसे साइड में कर लेना। 5 मिनट हो गए हैं मेरे को इसको रख के, अभी भी पतला है। अब इस दूध को क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं एक छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ और 2 टेबल स्पून इसमें ठंडा दूध डालकर इसको अच्छा सा घोल बना दूँगी, बिना गुठली वाला घोल बना के। और अब इस घोल को रबड़ी वाले दूध में डाल देंगे और चम्मच से अच्छे से हिलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना पड़े। साइड में जो मलाई जम जाती है उसे भी निकाल के दूध में डाल दें और अब इसे हिलाते रहें। देखो पहले से तो गाढ़ा हो गया है अच्छा, पर अभी थोड़ा सा गाढ़ा और करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मीठा करने के लिए मैं 1 टेबल स्पून इसमें शक्कर डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे शक्कर गलने तक। थोड़ी सी इलायची पीस के डाल रही हूँ सुगंध के लिए, फ्लेवर देने के लिए। अब इसे चारों तरफ से ऐसे ले लेंगे, जो भी मलाई वगैरह जमी है वो ले लेंगे ताकि सारी मलाई दूध में आ जाए, क्योंकि अपन बना रहे हैं रबड़ी मलाई वाली। तो ऐसे इसको थोड़ा सा शक्कर गलने तक उबलने देंगे, ठंडा होने के बाद में और गाढ़ी हो जाएगी, फिर शक्कर गलानी है इसकी। हो गया है 1 मिनट, शक्कर भी गल गई है, दिख नहीं रही है शक्कर कहीं भी और गाढ़ा भी हो गया है। अब बंद कर देते हैं, ठंडा होने के बाद में ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। चाशनी बनाने के लिए मैं 1/2 कप शक्कर ले रही हूँ और पानी डालूंगी शक्कर डूबे जितनी। ये 1/2 कप से थोड़ा सा पानी बचा तो शक्कर डूब गई है पूरी तरह से। ये देखो पूरी तरह से शक्कर डूब गई है, ऐसे होना चाहिए। मैंने गैस को चालू कर दिया है और अब इसे हिला लेंगे, नहीं तो नीचे चिपक जाती है फिर। और हिलाते हुए शक्कर को पहले गला लेंगे। शक्कर गल गई है और अब इसे 1 तार की चाशनी बनाएंगे। तो इसको उबलने देते हैं और हिलाते रहते हैं। अगर शक्कर थोड़ी काली हो तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल के रखना, तो साइड में ऐसे झाग आ जाते हैं, उनके मैल निकल जाएंगे। जैसे ये निकल गए, मैंने डाला नहीं है क्योंकि मेरी साफ है शक्कर, तो इस तरह से निकलेंगे। तो वो निकालते रहना, थोड़ा सा दूध डालना है, 1/2 चम्मच या 1 छोटा चम्मच, और फिर निकाल देना है। तो इस तरह से झाग आएंगे, उनको निकाल के फेंक देना है तो साफ हो जाएगी शक्कर। थोड़ी सी इलायची को पीस के मैं डाल रही हूँ, 2 इलायची को हम मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो इसमें केसर के टुकड़े भी डाल सकते हैं, पर केसर अपन ऊपर से डालेंगे इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अच्छी गाढ़ी हो गई है, बस इतनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर अपन चाशनी बनाएंगे तो जाकर बाद में गाढ़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा 1/2 तार बन रहा है, बस उतना ही बहुत है। चिपक रही है ना, बस इतना ही बहुत है। ये देखो ठंडा होने के बाद थोड़े तार बन रहे हैं। अब बंद कर देते हैं गैस को। अब थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद में घेवर को और फीणी को रस पिलाएंगे। अभी से चाशनी नहीं चढ़ाएंगे, इतने गरम गरम में नहीं चढ़ाएंगे, तो 1/2 ठंडा हो जाए फिर चढ़ाएंगे। एक थाली लेंगे और इसके ऊपर कटोरी रख देंगे, या कोई जाली हो तो आप जाली के ऊपर रख दें और घेवर को इस कटोरी के ऊपर रख देंगे ताकि अपन चाशनी पिलाएं तो वो सब थाली में गिरे और नीचे तक चाशनी पिलानी पड़ती है।
मैंने जो चाशनी बनाई है उसको इसमें धीरे धीरे सब तरफ डाल देंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से सारे में अच्छे से पिला देंगे ताकि नीचे तक ये सब तक अच्छे से चाशनी चढ़ जाए घेवर के अंदर। मैंने सब तरफ डाल दिए चाशनी। अब इसे 10 मिनट के लिए एक साइड में रख देंगे ताकि ये एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। तार फीड़ी ली है मैंने ये, और एक जाली ली है झाड़ी जिसे अपन पूड़ियाँ वगैरह निकालते हैं उसके ऊपर रख दिया है तार फीड़ी को। और अब ये जो चाशनी बनाई है तो ये इसके ऊपर में ऐसे डाल देंगे, ऐसे सब तरफ से डाल देंगे। कई जने इसके अंदर पूरा डुबा के भी निकाल लेते हैं, वो अपने अपने पसंद के, किसको कम चाहिए तो थोड़ी थोड़ी सी डाल दो और ऐसे रहने दो ताकि सारी चाशनी निकल जाए। थोड़ी देर तक ऐसे रहने देंगे तो चाशनी सब निकल जाएगी। चाशनी निकल गई है, अब इसको दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये देखो चाशनी निकल गई है बहुत सारी। अब इसे वापस इसमें डाल देंगे कढ़ाई में। अब घेवर में रबड़ी लगा देते हैं। देखो रबड़ी ठंडी हो गई है और कितनी गाढ़ी और क्रीमी टेक्सचर आया है इसका। बस इसी तरह की अपने को रबड़ी चाहिए। एक छोटे चम्मच की मदद से घेवर में रबड़ी लगा देते हैं। ऐसे बिना रबड़ी के भी खा सकते हैं, बहुत जनों को रबड़ी पसंद नहीं है खाली चाशनी वाली, तो रबड़ी अपने को जितनी पसंद है उस हिसाब से डाल देंगे। थोड़ी पसंद है तो थोड़ी डालेंगे, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल देंगे और ऐसे थोड़ा फैला लेंगे। 250 ml दूध की रबड़ी से दो घेवर में रबड़ी आसानी से लग जाती है। अब पिस्ते और बादाम से गार्निशिंग कर देते हैं। 7-8 केसर के धागों को मैंने पहले से पानी में गलाकर रख दिया था, उसे भी अब डाल देते हैं और साथ में उसके धागे भी डाल देंगे। फूल की पंखुड़ियाँ रख देते हैं, गुलाब की पत्तियाँ हैं। लो भाई सच कर तैयार हो गया है अपना घेवर। इसी तरह से घेवर को सजा कर राखी के समय आप अपने भाई को खिलाएं। अब तारफीनी को भी घेवर के ऊपर रख देते हैं और उसका भी डेकोरेशन कर देते हैं। थोड़ी सी रबड़ी इसमें भी पोर कर देते हैं, काजू पिस्ते डाल देंगे इसमें भी। गुलाब की पंखुड़ी फीनी भी बनकर तैयार होगी। और जब खाने बैठे, जब कोई खाए ना, तभी तारफीनी में चाशनी डालना चाहिए। पहले से डाल के नहीं रखें क्योंकि वो फिर सौगी हो जाएगी, नरम पड़ जाएगी तो मज़ा नहीं आएगी खाने में। और चाशनी